मुझे कोई व्यक्तिगत डिफरेंस नहीं है, लेकिन अजीत डोभाल जी के कार्य की अवलोकन तो उसका होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी की अपनी पर्सनल लाइक्स डिसलाइक्स बहुत स्ट्रांग है, शायद वो कैबिनेट के भी नहीं सुनते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री जी किसकी सुनते हैं, हम लोग सिर्फ इतना आग्रह कर सकते हैं, सर मूल्यांकन करिए, आपके पास विकल्पों की कमी नहीं है। खासतौर से अजीत डोभाल के हवाले से मैं आपसे इतना पूछना चाहूंगा, जो हालात हैं कई जगहों पर, जो चुनौतियां हैं, क्या कहना है? देखिए मैं क्या कहूँ, प्रधानमंत्री जी की अपनी पर्सनल लाइक्स डिसलाइक्स बहुत स्ट्रांग है, शायद वो कैबिनेट के भी नहीं सुनते हैं, अपने सहयोगियों के भी नहीं सुनते हैं। मुझे कोई व्यक्तिगत डिफरेंस नहीं है, लेकिन अजीत डोभाल जी के कार्य की अवलोकन तो उसका होना चाहिए, उसका मूल्यांकन तो होना चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की जो जिम्मेवारी है वो सिर्फ गुड बुक इन द प्राइम मिनिस्टर के गुड बुक में नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ उस दृष्टिकोण से एक बार देखें, हालांकि प्रधानमंत्री जी किसकी सुनते हैं, हम लोग सिर्फ इतना आग्रह कर सकते हैं, सर मूल्यांकन करिए, आपके पास विकल्पों की कमी नहीं है। देखिए मुझे देखिए प्रधानमंत्री जी की जो कार्यशैली है ना, प्रधानमंत्री जी की कार्यशैली का एक सबसे अगर एक वाक्य में बोलूं तो मी माई एंड माइन, मेरा मुझको मुझसे। फिर वैसे व्यक्ति के समक्ष सामूहिकता की आप बात नहीं कर सकते, वो विपक्ष से संवाद नहीं करना चाहते, उन्हें विवाद ज्यादा पसंद है। तो वो अब उनके व्यक्तित्व का ये हिस्सा इतने वर्षों से रहा है, उसमें डिलीट बटन की गुंजाइश मुझे कम दिखती है। वैसे भी जो थोड़ी बहुत उनसे अपेक्षा थी उन्होंने भैंस मंगलसूत्र मुजरा के बाद वो अपेक्षाएं भी खत्म करवा दी। सर लोकसभा का सत्र, सर 24 जून से लोकसभा शुरू हो रही है, लोकसभा की कार्रवाई शुरू होगी और 26 जून की तारीख तय की गई है जब लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। विपक्षी दलों की तरफ से ये एक अपेक्षा की जा रही है कि जदयू या टीडीपी अपना कोई उम्मीदवार इस पद के लिए उतारे। देखिए संसदीय लोकतंत्र के लिए तो ये बेहद ही खूबसूरत क्षण होता कि विपक्ष की तरफ से या उनके ही अलायंस में जो नॉन बीजेपी है उनके लोग वहां बैठे। लेकिन प्रधानमंत्री जी की कार्यशैली को देखते हुए उनके कार्यकाल में डिप्टी स्पीकर नहीं हुआ, ये अपने आप में वो देखिए संसद की दहलीज चूमते हैं वो फोटो के लिए अच्छा है, लेकिन संसदीय लोकतंत्र के प्रति जो गरिमा का भाव निष्ठा का भाव होना चाहिए उसकी कमी दिखती है। मैं आज भी कहता हूं कि बहुत सारे परिवर्तन की जरूरत है, एक दिन आपको पूरा का पूरा विपक्ष का होना चाहिए, अगर 7 दिन का सत्र है तो एक पूरा विपक्ष के लोग ही स्पीकर पद पर बैठे, वो मुद्दे लें जो आमतौर पर नहीं लिए जाते हैं। इस तरह की अगर चीजों को हम नहीं करेंगे ना तो मुझको लगता है कि ये लोकतंत्र में तंत्र लोक पर हावी होता चला जाएगा, जो काफी हद तक हो भी गया। तो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू ईटी नाउ।